ज्ञान आओ करके सीखे, एक्टिव लर्निंग इन साइंस। इसके अंतर्गत हमारे विद्यालय में विज्ञान समझने के लिए विज्ञान प्रयोग करके देखना एवं आनंद लेना, विज्ञान की घटनाओं को नज़दीकी से समझना आज हमारे लिए हॉबी बन गया है। हमारे विज्ञान शिक्षक श्री के आर वर्मा के द्वारा विज्ञान कैसे सीखे प्रयोग करके बताया जाते हैं, पश्चात हम स्वयं करके देखते हैं। पाठ्य पुस्तक एवं क्लासरूम टीचिंग के बाद विज्ञान के प्रयोगों के बारे में जानकारी अलग से दिया जाता है और ये जानकारी कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्राओं को प्रशिक्षित करने का कार्य वर्मा जी के द्वारा पिछले 3 वर्षों से किया जा रहा है। इन प्रयोगों में प्रयोगशाला के कोई उपकरण नहीं होते, सारे उपकरण आसानी से मिलने वाले चीजों से बनाए जाते हैं। विज्ञान की बड़ी बड़ी संकल्पनाओं को ये उपकरण बड़ी सरलता से समझाते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थी को विज्ञान पढ़ना चाहिए यह दृष्टि देने का कार्य करता है। हम खुद प्रयोग उपकरण बनाकर प्रयोग करके खुद सीखते हैं। सीखना है करके नहीं, तो अनजाने में मनोरंजक पद्धति से सीखने और समझने की क्रिया होती है। प्रयोग द्वारा बहुत कम समय में बड़ी आसानी से सीखा जाता है। आप खुद देख सकते हैं सीखने व सिखाने वालों के चेहरों का आनंद। विज्ञान सीखने के लिए विज्ञान विषय होना जरूरी नहीं, विद्यार्थी होना जरूरी नहीं, तो हर घटना को आसानी से समझना यह विज्ञान होता है। प्रयोग के माध्यम से हम जान पाते हैं। अब हम बताते हैं कि विद्यालय में विज्ञान कैसे सीखते हैं। हमारे विद्यालय में विज्ञान सीखने के लिए छोटे छोटे प्रयोगों को आसानी से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं से बनाया जाता है। इसके माध्यम से हम सीखते हैं स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक साइंस प्रयोग। आपने देखा होगा कि जब प्लास्टिक की कंघी को शुष्क बालों पर रगड़कर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के निकट लाने पर आकर्षित होता है, इसी प्रकार टीवी बंद करते समय उसके पर्दे के निकट हाथ लगाने पर आवाज आता है। इसी प्रकार अन्य वस्तुएं जैसे स्ट्रॉ, कांच की छड़, सिल्क गुब्बारा, प्लास्टिक की कुर्सी, थर्मोकोल बॉल, नाश्ता प्लेट इत्यादि पर घर्षण द्वारा विद्युत उत्पन्न कर सकती हैं। आइए देखते हैं विभिन्न वस्तुओं में किस प्रकार आवेश पैदा होता है। जब दो समान आवेश वाली वस्तुएं पास पास लाई जाती है तो दोनों में प्रतिकर्षण होता है एवं विपरीत आवेश होने पर आकर्षण। इस तरह हम इन प्रयोगों को विभिन्न वस्तुओं के साथ करके देखेंगे। गुब्बारे के द्वारा स्थिर विद्युत का प्रदर्शन, स्ट्रॉ के माध्यम से, नाश्ता प्लेट एवं थर्मोकोल बॉल के माध्यम से, धागों के द्वारा स्थिर विद्युत का प्रदर्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुब्बारे में एक प्रकार का आवेश है। सिल्क कपड़े से रगड़कर प्लास्टिक के पाइप को हम गुब्बारे के पास लाते हैं तो गुब्बारा पाइप से दूर जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों में समान धनात्मक आवेश होने के कारण एक दूसरे से दूर भागते हैं। हमारे अगले प्रयोग में आप देखेंगे स्टायरोफोम बॉल को गुब्बारे के समीप लाने पर कुछ बॉल चिपक जाता है और कुछ बॉल नहीं चिपकता है। उसमें विपरीत आवेश है जिसके कारण गुब्बारा से चिपक जाता है, लेकिन सिल्क कपड़े से रगड़कर गुब्बारे के पास लाते हैं तो सारे स्टायरोफोम प्लास्टिक पाइप में चिपक जाता है। इस तरह स्टायरोफोम ऋणात्मक आवेश होने के कारण गुब्बारे से चिपक रहा है, लेकिन पास लाते हैं तो सारे बॉल प्लास्टिक पाइप में चिपक जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लास्टिक बोतल के अंदर सारे थर्मोकोल बॉल को डाल दिया गया है। सभी थर्मोकोल बॉल बोतल की तली में आवेशित प्लास्टिक पाइप बोतल के पास ले जाने पर बॉल आगे पीछे नाचने लगते हैं। वैसे ही उंगली ले जाने पर भी होता है। इस प्रयोग को आप घर पर करके देख सकते हैं। इसी प्रकार हमारे अन्य प्रयोग आगे वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसे आप करके देख सकते हैं। स्टायरोफोम कप लेते हैं और बहुत सारे स्टायरोफोम बॉल को उसमें डाल देते हैं। अब आवेशित प्लास्टिक पाइप को उसके पास ले जाते हैं। अरे ये तो जादू हो रहा है।
ये सारे स्टायरोफोम बॉल प्लास्टिक पाइप से दौड़ करके चिपक रहे हैं। हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिकल बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए कहा जाता है हमेशा कॉटन कपड़ा ही पहनना चाहिए। सिल्क या टेरिकॉट के कपड़ों का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। अब इस प्रयोग में देखिए कि हमने 3 चुंबक के एक समान ध्रुवों को प्लास्टिक पाइप के ऊपर चिपका दिए हैं और चौथी चुंबक को हम पेंसिल में लगाकर बीच में रखते हैं, तो वह तीनों चुंबक के प्रतिकर्षण के कारण सिर खड़ा हो जाता है और थोड़ा भी हवा मिलने पर घूमने लगता है। हमारे प्रयोग में शेर की दहाड़ सुनिए। हमने एक प्लास्टिक का एक डिब्बा लिया है, इसकी तली में छेद करके धागा को बांध दिया। अब हाथ को गीला करके धागे को खींचते हैं तो धागे में कंपन होता है और यह कंपन डिब्बे में जाकर शेर के दहाड़ने की तरह ध्वनि उत्पन्न करता है। इसी तरह प्लास्टिक की पाइप को हवा में तेजी से घुमाते हैं तो भी तेजी से आवाज आता है।